हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्लेवर्ड मिल्क। आप जैसे जानते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा चूजी होते हैं और एक ही टेस्ट, जैसे हम बॉर्नविटा या कुछ भी हॉर्लिक्स वगैरह घोल के देते हैं बच्चों को दूध में मिक्स करके, तो बच्चों का भी मन भर जाता है। तो आपको मैं बताती हूँ कि हमें आसान और ईजी जो तरीका पड़ता है दूध का, हम उनको फ्लेवर्ड मिल्क बना के दे सकते हैं। आप ही देख रहे हो, ये मैंने कस्टर्ड पाउडर के डब्बे रखे हुए हैं और मार्केट में 500 तरीके के कस्टर्ड पाउडर के टेस्ट अवेलेबल हैं। आप जो आपके बच्चे को पसंद हो आप उस हिसाब से बना के दे सकते हैं और ये बहुत सस्ता भी पड़ता है। आप जानते होंगे कि हम मार्केट से भी फ्लेवर्ड मिल्क खरीद के लाते हैं और उसका एक सबसे छोटा टेट्रा पैक 180 ml का होता है और 30 rupees का पड़ता है। और यहाँ हम आधा किलो दूध में मतलब 500 ml, और बहुत अच्छा हम 500 ml होता है जो 2 से 3 बच्चे हमारे पी सकते हैं ग्लास। तो ये बहुत काफ़ी सस्ता भी पड़ता है और हाइजीनिक भी होता है, घर में बच्चों को हम कभी भी बना के दे सकते हैं। तो अब आप ये देखिए, ये है बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी और ये पिस्ता और वनीला और चॉकलेट, कई फ्लेवर्स हैं। और मैं आपको अभी इसमें से कम 3-4 आपको बना के दिखा दूँगी। पहले मेथड तो मैं एक का ही बना के दिखाऊंगी, पर आपको फिर मैं आगे दिखाऊंगी कि 3 से 4 5 जितने भी आप चाहते हो वो फ्लेवर बना सकते हो। तो आप यहाँ देखो कि आधा किलो दूध मैंने बॉईल कर लिया है, और फुल फैट मिल्क लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि और नहीं तो आप काउ मिल्क भी ले सकते हैं और जो भी आपको दूध आप यूज करते हैं। अब आप देखें, मैंने ये 2 teaspoon जो होता है ये वाला, ये 2 चम्मच ले लिया है कस्टर्ड, कोई भी किसी भी फ्लेवर का ले लें। मैंने ये बटर स्कॉच लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा ठंडा दूध मिलाऊंगी। देखें, इसमें मैंने 2-3 चम्मच दूध मिला लिया है और इसको बहुत अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। और इसी में हम 2 tablespoon या 2 teaspoon, आप जितना रिच बनाना चाहते हैं, ये मिल्क पाउडर मिला रही हूँ। मैंने 2 tablespoon डाल दिया है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ हम दूध जो उबल रहा है, यहाँ पे हम आधा किलो दूध है, इसमें हम 2 tablespoon के हिसाब से चीनी डाल देंगे। चीनी आप पे डिपेंड है कि आपको कितनी कम ज़्यादा पसंद है। वैसे तो बच्चों को अगर दे रहे हैं तो हल्का मीठा ही अच्छा रहता है देना। अब ये भी दूध भी जो हमने डाला है इसमें मिल्क पाउडर, ये भी मिला लेंगे। देखिए, ये चीनी हम इसमें डाल दी थी, तो इसे थोड़ा सा अच्छा पका लेंगे हम 2 से 3 मिनट, ताकि चीनी का कच्चापन निकल जाए। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसको अच्छा करके मिला लिया है ताकि कोई लम्स ना रहे। बस ये अब हम मिक्सचर जो है ये दूध में डालेंगे। आपने ये फ्लेवर मिल्क से पहले की जो मेरी वीडियो है आइसक्रीम की, वो भी मैंने कस्टर्ड पाउडर से बनानी सिखाई है, पर उसमें मैंने जो कस्टर्ड पाउडर लिया है आधा किलो दूध में, वो मैंने जो लिया है 2 tablespoon करके लिया है, और ये मैं ले रही हूँ 2 teaspoon। तो क्योंकि मिल्क जो होता है वो लाइट ही रहता है, आइसक्रीम हमें थोड़ी फ्लफी करनी होती है तो ज़्यादा लेना पड़ता है। बस इसको हम 4 से 5 मिनट, देखिए थोड़ा सा हमारा ये जो हमने मिक्सर डाल के ये मिल्क थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, और बस ये इसका टेस्ट इसमें आ गया बटर स्कॉच का। इसको मैं 2 से 3 मिनट और पका लूँगी ताकि कस्टर्ड अच्छे करके मिल जाए, और उसके बाद इसको हम फ्लेम ऑफ कर देंगे इसकी। बस हमें इतना ही थिक चाहिए, क्योंकि अभी ठंडा होने पे भी ये इससे थोड़ा सा थिक होगा, और फ्लेवर्ड मिल्क इतने ही थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होते। तो बस इसको अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा करूंगी, और इसी तरीके से जब तक ये ठंडा हो रहा है, जो मेरे और भी फ्लेवर्स हैं, कस्टर्ड है, वो सॉरी स्ट्रॉबेरी है, कस्टर्ड और पिस्ता, और जो मेरे पास और भी फ्लेवर है जैसे वनीला है और चॉकलेट फ्लेवर है, तो जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से, मैं अभी 2-3 flavor और बना लूँगी इसी मेथड से बिल्कुल, और उन्हें ठंडा करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आप बस इसको ऐसे चला चला के इसका बिल्कुल इसको नॉर्मल कर लें, क्योंकि इसको ऐसे छोड़ देंगे तो गाँठे पड़ने का भी डर है। वैसे तो हमने पका लिया है, बस इसको थोड़ा सा इसकी सारी भाप निकल जाए इसमें से, बस हम इसे ठंडा करेंगे।
ठंडा हुई हम इसको फ्रिज में रख देंगे जब इसके बिल्कुल ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। और ऐसे ही मेथड से फिर मैं और भी प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चारों फ्लेवर्स ठंडे होने रख दिए थे। एक फ्लेवर मैंने आपको मेथड बता दिया था, तो फिर मैंने इन्हें ठंडा होने रख दिया। चार फ्लेवर बनाए हैं मैंने। एक ये है स्ट्रॉबेरी, ये बटर स्कॉच, ये पिस्ता और ये चॉकलेट फ्लेवर। तो आप जैसे चाहें जितने चाहें फ्लेवर बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूँ कि आप इसका बच्चों को मिल्क शेक, फ्लेवर्ड मिल्क शेक भी बना के दे सकते हैं। बहुत स्मूथ और बहुत ही टेस्टी ये मिल्क शेक होते हैं, मतलब फ्लेवर्ड मिल्क। आप इनको चाहे तो दूध की बोतलें बना के डायरेक्ट बच्चों को ऐसी दे सकते हैं, और नहीं हो तो आप बच्चों को ये अच्छे से सर्व करके, ताकि अच्छे करके बच्चे ले लें, आइसक्रीम वगैरह डाल के दे सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखें, ये मेरे पास बटर आइसक्रीम थी जो मैंने कस्टर्ड से ही बनाई थी। इससे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ऐसे ही पिस्ता आइसक्रीम मैं इसमें डाल रही हूँ। ऐसे ही इसमें चॉकलेट आइसक्रीम हम डाल देंगे। ऐसे ही हम इसमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डाल लेंगे। फ्लेवर्ड मिल्क आप किसी भी तरीके से बच्चों को दे सकते हैं। प्लेन जैसे बना के हमने बॉटल्स में रखे थे, ऐसे भी दे सकते हैं। आइसक्रीम के साथ आप सर्व करेंगे तो ये शेक्स बन जाते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क शेक। बच्चे ये भी बहुत खुश होके खाना पसंद करते हैं। तो आप जिस भी शक्ल में बच्चों को दें, बच्चे खुश हो देंगे। अब चाहे तो आप ये स्ट्रॉबेरी में थोड़ा सा सिरप भी डाल सकते हैं हर्षे का, और चॉकलेट वाले में भी आप बच्चों को सर्व करके दे सकते हैं। ऐसे चाहे तो आप इस पे भी हर्षी का डाल सकते हैं, बच्चों को टेस्ट अच्छा लगेगा इसका। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने फ्लेवर्ड मिल्क बना लिए, और बहुत सस्ते भी हमें पड़ते हैं और बनाने, और बहुत टेस्टी होते हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा। अगर आप एक बार घर में बना लेंगी और बच्चों को देंगी तो बच्चे आपको हमेशा इसी को ही कहेंगे बनाने को, बाहर का पसंद नहीं करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना सकते हैं, और बच्चों को जब चाहे जब मन हो आप बना के इजीली दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये तरीका बनाने का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।